हेलो फ्रेंड, लक्ष्य लॉ एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MPADPO का GK सीरीज, और यह इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें आपको मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। अतः मैं इसको शुरू करने से पहले इस सीरीज के बारे में बता दूं कि आपको पर डे 15 से 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए जाएंगे, और इस सीरीज में आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MPPSC में जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा, जो कि MPADPO में आने के जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम वीडियो को बिना देर लगाए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे अपने पार्ट फर्स्ट में मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन, तो आइए जूम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन है कि 1 नवंबर 1956 को, या 1 नवंबर 1957, या 1 नवंबर 1958, या 1 नवंबर 1955। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया है, ये किया गया है 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया है, 1 नवंबर 1956 को। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया। तो 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में, दो भाग में, या बी में क्या है, चार भाग में, या पांच भाग में, या आठ भाग में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चार भाग में। तो हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, चार। तो ठीक उसी प्रकार सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, चार भाग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें फोर ऑप्शंस हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, 29 अगस्त 1953 को, 29 दिसंबर 1953 को, सी ऑप्शन में 28 अगस्त 1953 को, डी ऑप्शन में 29 दिसंबर 1954 को। तो तीसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर है बी, 29 दिसंबर 1953 को। कब किया गया, 29 दिसंबर 1953। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, या डॉक्टर के एम पणिक्कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी ऑप्शन सैयद फजल अली। तो कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली जी। कौन थे, सैयद फजल अली जी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस नगर का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में किस नगर का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है भाभरा, ऑप्शन बी है झाबुआ, ऑप्शन सी है रतलाम, ऑप्शन डी है सतना। तो किसको किया गया है, फाइव का क्या होगा, ए, भाभरा। भाभरा को जो है चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया गया, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे तो क्या है, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है। क्वेश्चन क्या है, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम। तो फोर्थ चार ऑप्शन दिए गए हैं, होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर, रीवा। तो क्या है आंसर इसका, इसका आंसर है होशंगाबाद। होशंगाबाद को नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है, तो होशंगाबाद का, होशंगाबाद का जो है ये नर्मदापुरम संभाग का नया नाम इसको रखा गया है, क्या, होशंगाबाद को। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7th है, 10वां संभाग किसे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, 10वां संभाग किसे बनाया गया। तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 10वां संभाग किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन है होशंगाबाद, रीवा, शहडोल और इंदौर। बहुत ही मतलब मोस्ट क्वेश्चन है ये, 10वां संभाग किसे बनाया गया। तो 10वां संभाग बनाया गया है शहडोल को, शहडोल को 10वां संभाग बनाया गया, किसको बनाया गया, शहडोल को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था। ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एमपी में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था। तो ऑप्शन में ए शहडोल, बी सीधी, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी झाबुआ। तो किसके लिए, डी झाबुआ के लिए। झाबुआ जो है सिंगरौली जिले का गठन
किसको बनाया गया है? झाबुआ, झाबुआ का जो है विभाजन करके सिंगरौली जिले का गठन किया गया है। अब है प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर। तो किस में है सबसे ज़्यादा? तो इस नाइन्थ का ऑप्शन है ए, इंदौर में इंदौर संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं। तो किस में है? इंदौर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी ग्वालियर, डी रीवा। तो कहाँ पर है? टेंथ का डी, रीवा में। रीवा में क्या है? विंध्य प्रदेश की राजधानी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन दिए गए हैं सैयद फैजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजूर, डॉक्टर के एम पणिक्कर, विष्णु दत्ता। तो कौन सा है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो 11th का है डी, विष्णु दत्ता जी जो है किसके राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। और बाकी ये सब क्या हैं? सदस्य हैं, सैयद फैजल अली जी हैं, पंडित हृदयनाथ कुंजूर जी हैं और डॉक्टर के एम पणिक्कर हैं। अभी अध्यक्ष वाला क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें क्या था? सैयद फजल अली। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, किस सन में? तो किस सन में किया गया था? 1953 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? तो इसका आंसर क्या है? 12th का डी, 12 संभाग। कितने थे? टोटल 12 संभाग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अलीराजपुर को किस जिले से पृथक कर अलग बनाया गया है? अलीराजपुर को किस जिले से पृथक कर अलग बनाया गया है? तो किस जिले से पृथक कर अलग बनाया गया है? सीधी, झाबुआ, चंबल, नर्मदापुरम। तो किस से? झाबुआ से। अलीराजपुर को झाबुआ से पृथक कर बनाया गया है, पृथक कर अलग जिला बनाया गया है किसको? झाबुआ को, अलीराजपुर से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? तो यानी देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि किस जिले को किस जिले से पृथक कर बनाया गया है, तो ये एडीपीओ का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो किसको किस से अलग करके बनाया गया है? अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके अलग बनाया गया है? तो यह अनूपनगर को या शहडोल को या गुना को या खंडवा को? तो गुना को जो है अलग करके अशोकनगर जिले को बनाया गया है। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भोपाल एवं राजनांदगांव को पृथक जिला कब बनाया गया? भोपाल एवं राजनांदगांव को पृथक जिला कब बनाया गया है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1972, 30 नवंबर 1972 या 26 अक्टूबर 1972 या 30 अक्टूबर 1972। तो कब किया गया? 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव को पृथक जिला बनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1972 को। लास्ट क्वेश्चन है 16, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? 40, 43, 45 या 46। तो कितने थे? 43 जिले थे। टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट थे 1 नवंबर 1956 को गठन के समय। तो आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और